हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल रजनी एंड खुशी ब्लॉग्स में। और बताइए आप सब कैसे हैं? आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे और यहाँ पे हम सब भी ठीक है। और जो आज का ब्लॉग होने वाला है थोड़ा सा स्पेशल, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो रेसिपीज जो मैंने दीपक के बर्थडे पर बनाई थी। और ये देखिए, इधर सबसे शुरू में मैंने वीडियो की शुरुआत ही की है इस रेसिपी से, मतलब सब्जी वगैरह काटने से। मैं और खुशी इधर काट रहे थे सब्जी, मतलब टमाटर और प्याज जो सब्जी बननी है उसके लिए। और फिर मैं एक रेसिपी करूँगी आप लोगों के साथ भी शेयर, जो जो मैंने बनाया था। और बताइएगा आप लोग देखें कि आपको कैसी लगी ये सब रेसिपीज। और इधर मैं आ गई हूँ अभी किचन में, क्योंकि प्याज और टमाटर काटने के बाद मैंने आटा लगाना था नान के लिए, क्योंकि आज नान बनने थे। तो मैंने छान लिया था थोड़ा सा आटा, मतलब 200-300 ग्राम आटा था साथ गेहूँ का, 200-250 ग्राम। और मैंने आधा किलो मैदा मंगवाया था, उसमें से मैंने 250 ग्राम ही डाला था मैदा, क्योंकि मैं दोनों को मिक्स गेहूँ के आटे को और नान को मैदे को मिक्स करके ही बना रही थी आज नान, क्योंकि घर में खाते सब है थोड़ा नुकसान नहीं देगा। तो बाबा जी के वजह से मैं उन्हें बनाया था गेहूँ मिला के, ताकि उनको नुकसान ना दे। और तो मैंने इसमें 250 ग्राम मैदा था और 250 ग्राम गेहूँ, और इसमें मैंने डाल दिया था करीब आधा कप रिफाइंड ऑयल का। और उसके बाद मैंने दही डाल के इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया था, क्योंकि बेकिंग पाउडर दही में ज़्यादा ही रिएक्ट करने लगता है, जिससे नान अच्छा बनता है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जो गुनगुना पानी होता है, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं लेना और ज़्यादा ठंडा भी नहीं लेना, गुनगुना पानी लेकर थोड़ा थोड़ा करके आपको आटा अच्छे से आटा लगा लेना है। जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं सेम वैसे ही आपको आटा लगा लेना है। और इसको अच्छे से मसल के और सॉफ्ट करके आप इसको थोड़ा किसी भी बर्तन में ढक के 2-3-4 घंटे के लिए रख दीजिएगा। 2-3 घंटे भी काफ़ी होते हैं अगर आपके पास कम टाइम है। मैंने 3 बजे किया था इसको, 6 बजे फिर निकाला था, 6-6:30 बजे, तो ऐसा 3-3.5 घंटे हो गए। फ्रेंड्स, अभी उसका नान का आटा तो लग चुका है, अभी हम जा रहे हैं फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए। मैंने ले लिया देखिए बाउल में दूध, और चलिए अभी बनाते हैं। आपके साथ मैं इसकी भी रेसिपी शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स, नान का आटा तैयार करने के बाद मैं आ गई थी इधर मिल कस्टर्ड बनाने के लिए, क्योंकि आज मुझे बनाना था फ्रूट कस्टर्ड इसके बर्थडे पे। तो मैंने ये ले लिया था, करीब 1 kg दूध ले लिया था। इसमें गाय का और भैंस का दोनों का मिक्स था, बाकी आप अगर फुल फैट क्रीम फुल क्रीम वाले दूध से बनाएंगे कस्टर्ड तो काफ़ी अच्छा बनेगा। था तो ये फुल क्रीम, क्योंकि हमारे घर की भैंस का दूध है, ऐसा कोई मार्केट वगैरह का दूध नहीं है। तो मैंने उधर दूध उबलने के लिए छोड़ दिया गैस पर, उधर मैंने दूध ले लिया थोड़ा सा बाउल, और इसमें 3 चम्मच मैंने कस्टर्ड की मिला लिया है। और इसको आप अच्छे से मतलब मिला लीजिएगा, इसमें एक भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, वरना तो कस्टर्ड में आपकी गुठली आ जाएंगी। देखिए, और दूध बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, मतलब फ्रिज का दूध होना चाहिए जो आप जिसमें आप कस्टर्ड मिलाते हैं। देखिए आप ऐसे बिल्कुल, इसको एक भी इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए। और चलिए चलते हैं इधर, इधर दूध में भी बॉयल आ गया है। ये देखिए दूध में आ चुका है बॉयल। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड पाउडर, मतलब जो हमने दूध में घोल के रखा है उसको मिला देंगे। सबसे पहले हम इसमें कस्टर्ड डालने से पहले डालेंगे चीनी। चीनी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है, आप कितना मीठा खाते हो या कितना फीका खाते हो। हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा मीठा खाया जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा मीठा किया है दूध को। और चीनी को अच्छे से घुलने के बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद आपको इसमें कस्टर्ड मिलाना है जो आपने दूध में घोल के रखा है। और आप इसको एकदम मत मिलाइएगा सारा, थोड़ा थोड़ा तो करके मिलाते रहिएगा और इसको घुमाते रहिएगा, मतलब थोड़ा जब तक इसमें बॉयल नहीं आने का, तो आप इसको ऐसे घुमाते रहिएगा और इससे गाढ़ा हो जाएगा। आपको जितनी थिकनेस पसंद है इतना कर दीजिएगा। मुझे थोड़ा पतला लगा था, तो मैंने इसमें 1 चम्मच और बाद में मिला दी थी, और अभी इतना थिक हो गया, बस इतना ही होना चाहिए। मतलब 1 kg दूध में करीब आपको 4 चम्मच कस्टर्ड की मिलानी है बिल्कुल ठंडा करके। और मैंने इसको छोटे वाले बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है, क्योंकि हमारा छोटा फ्रिज है, तो ये जो बड़ा वाला भगोना था ये उसमें फ्रिज में नहीं आ रहा था फ्रीजर में। तो
और अब इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, मतलब फ्रिज में नहीं रखना है आपको, फ्रीजर में रखना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, जैसे आपको शाम को कुछ मतलब प्रिपरेशन करने है खाने की और आप सुबह कस्टर्ड बना, तो आप फ्रिज में रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है 2-3 घंटा, तो आप इसको क्या कीजिएगा, अच्छे से फ्रिज चला के और इसको फ्रीजर में रख दीजिएगा। हमारे यहाँ लाइट भी नहीं आई हुई थी, इसलिए थोड़ा फ्रिज से ही ठंडन था, इसलिए मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया था। 2 घंटे में बिल्कुल सही मतलब गर्म ठंडा हो गया था, गर्म नहीं ठंडा हो गया था। और उसके बाद मैं आ गई थी फिर दोबारा से किचन में, जो अभी मैंने टमाटर कट करके रखे थे अभी उनको फ्राई, पहले मैंने तेल चढ़ा लिया था कढ़ाई में, और उसके बाद इसमें जीरा और सौंफ डाल के मैंने इसमें जो मैंने टमाटर रखे थे कट करके वो डाल दिए थे, क्योंकि मैं बना रही हूँ हांडी पनीर। और इसमें मैंने डाले थे मीडियम साइज़ के करीब 4 टमाटर, और उसमें मैंने थोड़ा सा बुरादा डाला था, और 50 ग्राम मैंने डाले थे जो उसके खरबूजे के बीज होते हैं ना वो, और इनको आप अच्छे से मतलब भून लीजिएगा, टमाटर को अच्छे से गला लीजिएगा। इसमें नमक हल्दी और देगी मिर्च डाल के और वैसे लाल मिर्च डाल के इसको अच्छे से भून लीजिएगा। अच्छे से गलाने के बाद आप इनको ठंडा करने के बाद फिर मैंने इनको पीस लिया था, अच्छे से भुनना है आपको बिल्कुल। और ये हांडी पनीर जो होता है खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही। आजकल मैं आपको आपके साथ हांडी की रेसिपी ज़्यादा शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए इधर मैं आ गई थी फिर पनीर बनाने के लिए, तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी उस दिन कि मतलब बैठना उठना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो मैंने गैस बाहर रखवा लिया था जिससे मैं थोड़ा आराम से बैठ के बना सकूँ। और मैंने इसमें तेल चढ़ा के प्याज को फ्राई होने के लिए छोड़ दिया था। मैंने करीब 6 प्याज, हाँ 6 प्याज काटे थे मोटे मोटे, और इनको आपको ऐसे इसमें भून लेना है। और इधर देखिए मम्मी उसके कस्टर्ड के लिए कट कर रही है फ्रूट्स, मैंने मम्मी को बोल दिया था कि आप कर दीजिए कस्टर्ड के लिए, और फिर थोड़ा आगे दिखाऊंगी मैं जब डालूंगी कि हमने कौन कौन से फ्रूट्स कस्टर्ड में डाले हैं। और ये देखिए इधर मैं कर रही हूँ प्याज फ्राई। आपको क्या करना है, जैसे हम बिरयानी में नहीं डालते लंबे लंबे प्याज काट के, और उनको अच्छे से फ्राई करने के बाद हमें इनको निकाल लेना है एक बाउल में। हरा तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि आपको मेरी शक्ल से भी लग रहा होगा कि मतलब कैसी थोड़ी बीमार जैसी हो रही हूँ मैं। इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मुझे नेक्स्ट डे जाना पड़ा था अभी डॉक्टर के पास, रात तक इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और आपको ऐसे इन प्याज को, सारे प्याज को ऐसे है फ्राई करके, अब मैंने निकाल लिया था इनको एक प्लेट में। और घर में चाहे छोटा सा काम हो, छोटा सा भी फंक्शन हो, उसमें इतना सारा काम बढ़ जाता है। और फिर मैं मुझे ही बनाना था इसके लिए सारा, मैंने ही सोचा था कि इसके बर्थडे की प्रिपरेशन अच्छे से करूँगी, लेकिन मैं कुछ अच्छे से इतना कर नहीं पाई थी क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब जो मैंने बाकी बचे हुए प्याज थे मैंने वो भी तेल में डाल दिए हैं, अब इनको भी फ्राई कर लेना है। मतलब ये 6 से 7 प्याज थे जिनको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। अब जो इसमें मैंने हांडी में थोड़ा ज़्यादा तेल डाला था, जो एक्स्ट्रा तेल था मैं उसको निकाल रही हूँ, क्योंकि टमाटर वगैरह मैंने जब पीसे थे तो उनमें भी तेल था, और ये प्याज में भी इतना सारा तेल चला गया तो ज़्यादा, वैसे भी ये सब्जी थोड़ी ऑयली सी बनती है, लेकिन फिर भी कोशिश की थी मैंने कि कम से कम तेल रखूँ। और जो मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया था, टमाटर खरबूजे के बीज का और बुरादे का, वो मैंने डाल दिया तेल में। अब हम इस पेस्ट को अच्छे से पकाएंगे, मतलब जब तक इससे ऑयल सेपरेट ना होने लगे तो आपको तब तक पकाना है। और इसमें 3-4 मैंने डाल दी थी हरी मिर्च काट के, और जो मैंने भून के रखा था प्याज का, प्याज है उनको डाल दिया। आपको ये प्याज को पीसना नहीं है, ऐसे लंबे लंबे लच्छे में इसको डालना है, और इसको अच्छे से इस पेस्ट के साथ अच्छे से भून लेना है ग्रेवी को। ये देखिए देखने में भी ग्रेवी कितनी सुंदर लग रही है, ये बिल्कुल अच्छे से भून चुकी है। और इसके बाद मेरे पास रखी थी अमूल की करीम रखी हुई थी, मैंने एक दिन मंगाई थी तो मैंने वही डाल दी थी, करीब 4 चम्मच के करीब मैंने इसमें अमूल की करीम डाल दी थी। लेकिन अगर आपके पास घर की मलाई हो तो वो आप लोग वो भी डाल सकते हैं, ज़्यादातर मैं मलाई ही डालती हूँ, लेकिन ये एक दिन लेके आए थे हम तो ये रखी हुई थी, तो इसलिए मैंने आज इसको ही डाल दिया था। और इसको आपको अच्छे, क्रीम डालने के बाद आपको इसको अच्छे से भून लेना है बिल्कुल। ये देखिए तेल जब तक सेपरेट ना होने तब तक आपको भूनना है। और उसके बाद मैं इसमें डाल देना है थोड़ा सा दूध, मैंने इसको इसमें थोड़ा दूध डाल दिया था, करीब 300 ग्राम के करीब दूध डाल दिया था।
और दूध डालने के बाद इसको अच्छे से चलाने के बाद फिर इसमें हमें पानी डाल लेना है। पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं रखनी है, थोड़ा मतलब गाढ़ा ही होता है ये हांडी पनीर, तो गाढ़ा ही बनाना है हमको। अब मैंने इसमें डाल दिया है पानी, करीब डेढ़ गिलास के लगभग मैंने इसमें पानी डाला था। और पानी डालने के बाद इसको अच्छे से बॉईल आने तक पकाना है। ये देखिए, जब इसमें ऐसे बॉईल आ जाएगा तो इसको करीब 15 मिनट तक पकाना है, मतलब अच्छे से ग्रेवी को पकाना है 15-20 मिनट तक। और उसके बाद ही इसमें पनीर डालना है, क्योंकि अगर हम पनीर पहले ही डाल देते हैं और उसके बाद ग्रेवी को पकाते हैं तो पनीर थोड़ा मतलब सॉफ्ट नहीं रह पाता, अंदर से टाइट हो जाता है, तो मैं कभी नहीं ऐसा करती, वो खाने में भी टेस्ट नहीं लगता। तो आप इसको अच्छे से पकाइए ग्रेवी को, जब बिल्कुल लास्ट में ग्रेवी बनने में मतलब सब्ज़ी बनने में 1-2 मिनट रह जाए तो उस टाइम आप इसमें पनीर ऐड कीजिए और 1-2 मिनट और पका लीजिए। उसके बाद बिल्कुल ये परफेक्ट सब्ज़ी बनती है और पनीर भी बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। आपने जैसे रेस्टोरेंट में खाते हैं ना हम खाना, कि जब मतलब पनीर वगैरह खाते हैं तो वो पनीर बिल्कुल सॉफ्ट होता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि जब भी हम मतलब सर्व करते हैं तो उस टाइम ही वो पनीर मिला के देते हैं, ऐसे नहीं डाल के रखते। तो ये देखिए, इधर तैयार हो गया हमारा हांडी पनीर। और अब मैं ये कस्टर्ड निकाल के ले आई हूँ जो मैंने दूध में डाल के रखा था कस्टर्ड। अब मैंने इसको बड़े वाले भगोने में फिर से ट्रांसफ़र कर लिया है और इसमें अभी हम मिला देंगे सारे फ्रूट्स। फ्रूट्स में हमने डाला था इसमें केला और एक एप्पल थी और अनार था, ये तीनों चीज़ हमने मिलाई थी। बाकी आप लोगों को जो भी फ्रूट्स पसंद होते हो आप वो मिला सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, और मिक्स करने के बाद दोबारा फिर इसको जब तक मतलब सर्व करने का टाइम होगा तब तक इसको हम रखेंगे फ्रिज में ही। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी मिला सकते हैं, फल में भी जो भी आपको पसंद हो कुछ भी मिला सकते हैं वो फल। और खाने में तो आपको पता ही है कस्टर्ड कितना टेस्ट लगता है, मेरा तो फेवरेट है कस्टर्ड। और कस्टर्ड फ्रिज में रखने के बाद फिर मैं आ गई थी दोबारा किचन में। तीसरी जो हम सब्जी बना रहे थे वही हमारे ऑल टाइम फेवरेट छोले, मतलब घर में छोले किसी को ज़्यादा पसंद नहीं है, सिर्फ मुझे और बाबा जी को और मतलब बर्थडे बॉय यानी कि दीपक को से बहुत पसंद है, बाकी किसी को नहीं, ज़्यादा छोले पसंद नहीं है। और मैंने पनीर बनाया था इसलिए मैंने दूसरी सब्जी बनाई थी छोले, क्योंकि बाबा जी उससे नहीं खाते ना पनीर, उन्हें अच्छा तो लगता है। एक दिन उन्हें की तबीयत ख़राब हो गई थी पनीर खा के, उस दिन के बाद उन्होंने मना कर दिया था कि पनीर नहीं खाऊंगा, तो इसलिए मैं दूसरी सब्ज़ी बना रही हूँ छोले। छोले में वही प्याज अपना और मैंने दो खड़े मसाले डाल दिए, और उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें टमाटर वगैरह प्याज इससे भुनने के बाद, और उसमें फिर मैंने अदरक डाल दिया था क्योंकि आजकल अदरक आ गया और बहुत अच्छा अदरक आया हुआ है। और उसके बाद मैंने इसके ग्रेवी को गाढ़ी करने के 2-3 आलू उबाल कर रखे थे, क्योंकि मुझे छोले थोड़े कम लग रहे थे इसलिए मैंने आलू उबाल दिए थे और आलू को अच्छे से मैश करके इसमें मिला दिया था। और उसके बाद मैंने डाल दिया था इसमें छोले, और छोले डालने के बाद मैंने चाय पत्ती का पानी पका के रखा था तो मैंने इसमें वो मिक्स कर दिया था, जिससे मतलब थोड़े काले काले बनते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं, वो पीले पीले छोले नहीं पसंद है घर में किसी को भी। और उसके बाद इसमें हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी और लाल मिर्च पाउडर, नमक वगैरह डाल के सब कुछ मिक्स करके मैंने इसको रख दिया था बनने के लिए ढक के, और छोले बने भी थे बहुत टेस्टी। आप लोग भी ऐसे बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं, मतलब सारा ही खाना बहुत टेस्टी बना था, सभी को पसंद आया था खाना बहुत। और बाबा जी को तो खैर छोले बहुत पसंद है। और उसके बाद छोले बनाने के बाद मैंने इधर आ गई थी मैं चावल बनाने के लिए। मैंने एक भगोने में थोड़ा सा तेल या घी, आप जो भी रिफाइंड डाल सकते हैं या तो घी डाल के, मैंने उसमें जीरा डाल दिया था क्योंकि आज बनाने वाले थे हम जीरा राइस, और इसमें फिर मैंने डाल दिए थे चावल। और फिर इधर बन गए थे चावल, और चावल बनने के बाद मम्मी ने उनको निकाल दिया था उसे एक झरने में, मतलब निचोड़ दिया था। और फ्रेंड्स, सारा खाना हो चुका है यार, अभी मैं जाऊंगी किचन में आप लोगों को दिखाने के लिए पनीर, छोले, चावल और कस्टर्ड, और मतलब जो भी मैंने बनाया सब कुछ तैयार हो चुका है, बस अभी आपको दिखाना बाकी है। और भी खाना बाकी है, खा के आप लोगों को बताएंगे दीपक और इसके भैया और कुछ मतलब घर वाले सारे कि कैसा बना है। और चलिए अभी चलते हैं किचन में, मैं दिखाती हूँ आपको कि सारा खाना भी तैयार हो गया है, अभी चलिए चलते हैं।
और फिर दोबारा फिर मैं आ गई थी किचन में कि इसमें क्योंकि मुझे दही में तड़का लगाना था, इधर मैंने जीरे का नहीं लगाया था तड़का, थोड़ा सा तेल डाल के उसमें थोड़ी सरसों और हींग डाल के मैंने उसका तड़का लगाया था और बूंदी डाल दी थी और अच्छे से मैं काला नमक मिक्स करके रायता बना लिया था। और अभी दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखिए पनीर बन के, हमारा हांडी पनीर बन के तैयार हो गया है और ये खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी बना था ना कि आप पूछिए मत। और इधर ये छोले बन के हो गए हैं तैयार, इधर हमारे ये हमारा रायता और इधर कस्टर्ड भी बन गया है और इधर मैं दिखा देती हूँ आपको चावल बन गए हैं और बस अभी नान बनाने बाकी है। ये नान का आटा अभी मैं इसको निकाल लूँगी। और ये देखिए मम्मी बोलने लगी, मेरी तबीयत उस टाइम तक बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि चलो मैं बना देती हूँ। तो फिर मम्मी बनाने लगी थी तो मैंने फिर तेल लगा, आपको क्या करना है कि ऐसे रोटी की तरह बेल के उसको इस पर अच्छे से पानी लगा के इसको तवे पे चिपका देना है। और तवे पे चिपकाने के बाद आपको इसको, ये उतरेगा नहीं बिल्कुल भी, आपको इसको उल्टा करके अच्छे से सेक लेना है ऐसे करके और बिल्कुल आपका नान बिल्कुल परफेक्ट बनेगा रेस्टोरेंट जैसा। बाकी आप इसको बड़ा भी बना सकते हो और आप इसको खाली मैदे का, वैसे खाली मैदे का ही बनता है लेकिन मैंने बाबा जी को नुकसान ना दे इसलिए मैंने गेहूँ और मैदा दोनों मिक्स करके बनाया है। लेकिन किसी दिन मैं आपको खाली मैदे मैदे का बना के दिखाऊँगी। और मम्मी से नहीं बन पा रहे थे तो फिर मैं आ गई थी दोबारा से किचन में बनाने के लिए कि चलो मैं ही कोशिश कर लेती, मैं बना देती हूँ। और ये देखिए आपको ऐसे ही सारे नान बना लेने हैं, मैंने भी ऐसे ही बना लेते क्योंकि ज़्यादा मैं आपको दिखा नहीं पाई थी क्योंकि खाने वाले चिल्लाने लगे थे जल्दी खाना ले बाबा जी लोग पापा जी लोग, तो इसलिए मैं आपको एक दो ही दिखा पाई थी, अच्छे से दिखा नहीं पाई थी। बाकी आप ऐसे बनाएंगे तो बिल्कुल आपका नान परफेक्ट बनेगा और मैं आपको जैसे वो बड़े वाले नान नहीं होते रेस्टोरेंट में मिलते हैं किसी दिन उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी बिल्कुल, वो जो ऐसे वो काट के देते हैं हमें। ये देखिए आपका नान ऐसे बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। फ्रेंड्स सभी का खाना हो चुका है और खाना सभी को आया था बहुत पसंद। और बस अभी बच्चों के मतलब 8 बजे तक हमारा सारा काम तो अभी खत्म नहीं, मतलब खाना खा रहे हैं और बस अब थोड़ा सा काम खत्म हो जाएगा 8:30 बजे तक। और बस आप बताइएगा आपको ये खाने वाला ब्लॉग मेरा कैसा लगा, यहीं पे मैं करूँगी अपने ब्लॉग का एंड। अगर आपको मेरा चैनल मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आप भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।